सो गाइस, आज लाइक कि जो पिछला ब्लॉग था उसमें बहुत लोगों ने ऐसा बोला था कि BTS मींस कि हम कोरियन लोगों की बात करें या वैसा कुछ, तो है ना, जो कोरियन बहुत बड़े म्यूजिक बैंड है, आप लोगों को पता ही, वर्ल्ड पूरे वर्ल्ड फैन है उनके, तो लोगों को ऐसा लग रहा है कि BTS मतलब वो है, लेकिन एक्चुअल में समर्पण बताओ जरा, BTS मतलब BTS का मतलब है बिहाइंड द सीन, जो मैंने भी डाला है कि मैंने लिख के डाला कि बिहाइंड द सीन BTS नहीं डाला, आपकी वो गलती क्यों, अभी अगली बार से हमारे आम बीस पर भी प्रॉपर सेंटेंस लिखेंगे बिहाइंड द सीन। लाइक गाइस, मोस्टली तो लोग BTS ही बोलते हैं क्योंकि अब इतना लंबा कौन लिखेगा ना बिहाइंड द सीन, एंड आप लोगों को पता है कि जो टाइटल्स में इतना लंबा लिख भी नहीं सकते, तो BTS मींस बिहाइंड द सीन, तो वो चीज़ें हैं। देन नेक्स्ट टाइम से होप आप लोगों को समझ आ जाएगा, है ना, BTS मतलब, तो एक ही BTS नहीं है, बिहाइंड द सीन और BTS मतलब और भी बहुत सारे वर्ड बन जाते हैं। बाकी इतना सारा प्यार देने के लिए लव यू गाइस। समर्पण, मेरे किस के लिए तो पता नहीं भाई, तुम्हारे किस के लिए लोग तरस रहे रहेंगे। एक एक पप्पी दे दो यार। आई लव यू गाइस। तुम्हें पता है सुबह के ना अभी 5:30 हो रहे हैं, हम अभी तक नहीं सोए, मतलब 5 बजे ही आए थे, 4:30-5 बजे आए थे, अभी हम जस्ट नहाना धो के फ्रेश होने जा रहे हैं एंड सोने जा रहे हैं थोड़ा सा प्रैक्टिस करके। चलो गाइस, सुबह मिलते हैं। मैं 2 बार बोल चुका हूँ सुबह मिलते हैं, लेकिन वापस से थैंक यू सो मच पीपल, क्या करते हैं अभी, सुबह भेजना पड़ेगा। अरे बस गाइस, ये पप्पी ले लो, इससे बहुत हमारे शो का सबसे फेमस बंदा है ये, सबसे वायरल वो है, तुम मेरी वीडियोज भी वायरल कर देना, इसके तक पहुंचा देना, फिर मैं इससे अच्छे से बोल पाऊंगा कि हाँ भाई मेरे भी फैंस है। ये देखो बहुत रूड हो गया, ये जब से फैंस हो गया ना इसके, कुछ भी बोल रहा हूँ, मजाक करूँगा। ये बहुत स्वीट है, बहुत बहुत ज़्यादा। हमारे रूम में जितने भी लोग हैं ना, 4-5 हमारे रूम में नहीं, जितने भी कंटेस्टेंट हैं सभी बहुत प्यारे हैं, बहुत बहुत प्यारे, एक दूसरे को बहुत सपोर्ट करते हैं हर एक चीज़ में, भाई इमोशनली भी, भाई प्रैक्टिकली भी, बहुत सारी चीज़ों में सपोर्ट करते हैं, तो सबको आप लोग बहुत प्यार दो, सब लोग को वो करो, है ना। बाकी लव यू गाइस, मिलते हैं अभी, सच में सुबह मिलते हैं, या डायरेक्ट मैं ब्लॉग डाल दूंगा, ये ब्लॉग जो भी बनता है, जैसा भी, मैं ब्लॉगर नहीं इतना, बट जस्ट स्टार्ट कर दिया कि हाँ डालते हैं बोल के। चलो गाइस, लेकिन मैंने सब फ्रीस्टाइल कर दिया, 5 मिनट का गाना फ्रीस्टाइल कर दिया। मैं सोच रहा हूँ महाकस, ये वही तो, वही बंदा तो नहीं है तो डांस प्लस में आया था, लेकिन ये तो क्या कर रहा है सर, जैसा लगा सही था। फर्स्ट में मेरे को लगा कि महाकस सेक्सी था, फर्स्ट का मतलब कॉन्सेप्ट के साथ, एक पूरा कुछ लगा है ऊपर, ऐसा भी हो सकता है कोरियोग्राफी था, लेकिन भूल गया नहीं, भूल गया नहीं, इन्होंने जानबूझ। अभी सोचो 5 मिनट का गाना है, कौन 5 मिनट का कॉन्सेप्ट करेगा, सीन क्या, सुनो सीन, सीन क्या हुआ था, जो जस इन्होंने जस को देखा कि कौन है पहले, जस को देखा तो बेचारा वो एक था, मैं नाम नहीं लूंगा, समझ में नहीं आएगा, वो एक था, उन्होंने देखे पता चले ये इसके आगे मैं बोलूंगा ये मेरे को डांस नहीं समझेगा, समझेगा भी नहीं, बात नहीं था, बात ऐसे कि मेरे को, मैं कोरियोग्राफी जो करना था मेरे को वो करना था, लेकिन हुआ कैसा कि वहां जाके ना स्टेज ना मेरा वो लाइक का था ही नहीं, अब मेरे को पता, आपको पता है कि मेरे ग्राउंड मूव्स ज्यादा होते हैं, ठीक है, जो मैं लेके भी गया था, फिर मेरे पास ना एक थैला था, थैला तो मैं सोचा यार कुछ उनको लगना चाहिए था कोरियोग्राफी, जैसे स्टार्टिंग थोड़ा था तो मैं वैसा कुछ कर देता हूँ, मैं बोला तो हाँ थैला बांध दिया और वो ब्लाइंड फोल्ड कहीं दो, बस मैंने वो थैला से सब निकाले सामान, वो थैला अपने मुंह पे डाल दिया, उसके बाद फ्री स्टाइल फिर बोला चलो हाँ मैं दिखाऊं वीडियो मेरे पास, अरे नहीं वो लाइक की एक थोड़ा वैसा होता ना, देखो देखो अभी तो रखी वीडियो संभाल के, मोगी भाई हाँ सर, तो बताओ ये तीसरा वीक है, ठीक है, 12 बजे देखेंगे, अभी कितना बजे, अभी डिनर करने जाना है, अभी कितना बजे, 11:30 मोगी भाई, मोगी भाई एक मिनट, तीसरा भी क्या, कैसा लग रहा है अंडरग्राउंड से रियलिटी, बहुत शौक तेरी थी रियलिटी करना, देख लिया शौक में क्या रियलिटी में आए मुझे भाई, बहुत शौक से थी रियलिटी करना, रियलिटी शो 11 बजे समर्पण बताओ तुम्हारी फिल्म, ये तीसरा वीक है, जो नेपाली होली रंग भाषा, तो पहले जो रंग भाषा नहीं क्यों होली ना कि बैक गिल्स तो बना दिया, पूरी 3-4 दिन में क्या भयो, 3 दिन भैस, 2 दिन भयो म अझै सुतेको छैन, आँखा में हेर्नु न आँखा में के सुते होला कि एकचोटि सुतेको म है, अनि त्यसपछि अहिले फेरि 12 बजे भ्याउने रे, फेरि हामी
होटल जान मूला फिर 8 बजे उठा रहे हैं। नेपाल का वोट आएगा भी नहीं, ठीक है, इंडिया का वोट आएगा, बोलने का कोई फायदा नहीं है। हाँ सर ने, सर ने, लेकिन सर पैर तो आएगा ना नेपाल से भी, लेकिन प्यार तो आएगा ना नेपाल से, सपोर्ट तो लाइक, तो नेपाल से तो थोड़ा बोल सकता है। नहीं नहीं आप, आपने पॉइंट तो बराबर बोला है, लेकिन प्यार तो हर जगह से आ सकता है ना, तो बोल सकता है। ये हमारे सन्नी सर है, सबसे हमारे बहुत केयर करते हैं। थैंक यू सर इतना केयर करने के लिए और हमारा धन्यवाद वो रखने के लिए, थैंक यू सो मच। हाँ जी हाँ जी, यार अभी तो बैटल मोड में भी आए हो आप, अभी तो बैटल है इस हफ्ते तो नहीं हो पाएगा, तो गाइस नहीं हो पाएगा, नहीं हो पाएगा, हो पाएगा मेरे भाई, तो ऐसे रोई रहा पूरे का फली, ऐसे रोई रहा यार। हमारा चोपड़ा देख लो तुम लोग, धोने रोई रहा, क्या हो गया यार, मैं तो पता नहीं कितनी बार रो के आ चुका हूं यार, कपल नहीं करना पाए ना, एक तो छोड़ ही जा, तीन तीन तो एक कोसरी याद करनी, एक जुड़ी तो बहाये पची देंगे दे दिनी रोड पे। ये हफ्ते में ना 3 दिन मिले, 3 दिन में ना 3 एक्ट करने पड़ रहे हैं, क्या ही बोल रहे, बहुत चैलेंजेस। मेरा तो क्या बताऊं, बैटल 3 बार चेंज हुआ, कल्मिनेशन 3 बार चेंज हुआ, बैटल का सॉन्ग चेंज हो गया, हे भगवान, बट मजा, बट मजा तो आ रहा है। शुक्र मानो हम जिंदा आपके, आपको कंटेंट दे रहे हैं इसे। सो गाइस हम लोग बहुत, हम जिंदा है, नहीं हम लोग जैसे एक्सपीरियंस शेयर करना चाहते हैं कि ऐसा ऐसा होता है, तो आप लोग आप ये दोनों का कर रहे हो इसका टॉप नॉट इधर होना चाहिए, मेरा ये खुलेगा नहीं ना, ऐसे देखो लग रहा है, ये देखो अभी खुल, दीदी इधर पिंस लगा दो ना, नहीं पिंस मत लगाओ, मेरा सिल दो, सिल दो, हाँ सिल देंगे, पिंस मत लगाना, या तो ये ऐसे नहीं हो सकता है, पिंस मत लगाओ, ऐसे नहीं हो सकता, जैसे जैसे ब्रेड्स बनाए वैसे ऊपर ब्रेड्स बना के फिर उसको घुमा के, तीनों को, नहीं तीनों को वापस से ब्रेड बनाएंगे, नहीं समझे, तीन को एक साथ चोटी जैसे बनाते ना, तीन को एक साथ, नहीं नहीं क्यों, अभी ब्रेड है जो, हाँ तो उसको तीनों को भी एक कर दो, हाँ फिर वो खुलेगा नहीं, फिर आपको बार बार ऊपर नहीं आना पड़ेगा, पहले नहीं बोलती, नहीं मुझे लगा आपने वैसे ही किया, फिर मैंने वापस से बोलो ना, ओमकार दादा मेरे बाल मस्त, थैंक यू, एक फ्री हो गया मेकअप के लिए, किसका चाहिए, सौम्य है, जगह नहीं है, ज्यादा हो गया यार, मैं बोला रात का आपको कुछ किस्सा सुना, मैंने क्या सुना, मैं जरा ऑर्डर पहुंच के वापस आए, नहीं अभी ये दीदी, हां सच में नहीं आया, सही है, किसने तो बोला वो वापस आया बोल के, नहीं अभी खोलने का टाइम कहाँ है, सेम ही लग रहा है, थोड़ा हाई फील बोलते हैं, फ्लैट लग रहा है, क्या मजा था, स्माइल है, ओंकार दादा मेकअप के लिए कौन है वर्तिका का, हो गया ना, इनका भी हो गया, अच्छा इनका भी हो गया, लाइनर नहीं लगाया, हाँ पिंक चाहिए, वो लोग मस्त बने, थोड़ा लाउड मेकअप,
अंडरग्राउंड से रियलिटी से होता है। जो लोएस्ट रहेगा उसका दोनों को होगा 400। हेलो हेलो, अरे यार देखिए। हेलो 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 हेलो, भाव ही नहीं दे रहे बंदे। क्या हाल है बाबा? राम बाबा, लव यू। सो हेलो गाइस, तो जो भी आज का एपिसोड था सैटरडे और संडे वाला, तो होप कि आप लोगों ने सबने देखा होगा, एंजॉय किया होगा, क्योंकि बहुत स्पेशल था ये जो वीक था, बिकॉज मेरी फैमिली आई थी मुझसे मिलने। मेरी मम्मी को मैंने बहुत टाइम बाद मिला, बहुत सालों बाद, और भैया का ड्रीम था मेरे को ये स्टेज में देखना। मम्मी पापा फैमिली सबका ड्रीम था लाइक कि मैं यहाँ तक पहुँचूँ, और मैंने सपने दिखाए थे क्योंकि उन लोगों को। तो फाइनली वो सब चीज़ें हो रही हैं, तो बस आप लोग का सपोर्ट चाहिए, प्यार चाहिए, और मैं हर टाइम स्टेज पे जाता हूँ कि मैं इस बार रोऊंगा नहीं, जो भी है ठीक है। तो लेकिन मोमेंट्स ऐसे हो जाते हैं ना कि नेचुरली वो जो टीयर्स है अपने आप आ जाते हैं। तो होप आप सबको पसंद आया होगा मेरा परफॉर्मेंस भी, और मेरी फैमिली आई थी, फैमिली वाले भी पसंद आए होंगे आपको वो सरप्राइज, क्योंकि मेरे लिए बहुत लाइफ का बेस्ट मोमेंट बोलते हैं वैसे वाले मोमेंट था ये, क्योंकि मैं चाहता था कि मैं अपने फैमिली को खुश देखूँ, वो स्टेज पे दिखाऊँ जो मैंने ड्रीम दिखाए थे अपने सपनों के थ्रू उनको। तो होप आप लोगों को अच्छा लगेगा ये सब चीज़ें, और ये जो छोटा सा ब्लॉग टाइप में मैं बना के डाल रहा हूँ लास्ट में, ठीक है, जो भी चीज़ें था एंड और जो भी चीज़ें, क्योंकि मैं कैप्चर तो कर नहीं पाया हर एक चीज़ें, तो कुछ चीज़ें अलाउ नहीं होता। और इसके बाद जो मदर डे स्पेशल था, होप आपको वो वाला परफॉर्मेंस भी अच्छा लगा होगा, मेरे को उम्मीद करता हूँ मैं आप लोगों से। और मेरी मम्मी के साथ जो मोमेंट था मदर्स डे वाला, होप आप सभी जितने भी माँ उन लोगों को हैप्पी मदर्स डे, और आप लोग ऐसे ही अपने बच्चों को सपोर्ट करते रहो जैसे आप कर रहे हो, और जितना सपोर्ट हो सके करो, क्योंकि आपके दुआ और आपके सपोर्ट के बिना वो लोग अधूरे हैं, जैसे मैं अधूरा हूँ अपने फैमिली और मेरी मम्मी के सपोर्ट और आशीर्वाद के बिना। तो आप लोग के बच्चे भी वैसे ही अधूरे हैं आपके सपोर्ट और आपके प्यार और आपके ब्लेसिंग्स के बिना। तो कीप सपोर्टिंग देम और उनके ड्रीम को पूरा करने में सपोर्ट जितना हो सकता है आप दीजिए। और जो भी ये सब चीज़ें हुए, देन मम्मी को मैंने मुंबई घुमाया, क्योंकि मम्मी का ड्रीम था कि मुंबई घूमना है, बीच घूमना है, और मुंबई के जो बड़े बड़े बिल्डिंग्स होते हैं वो देखने, तो वो दिखवाए मैंने। ये सब चीज़ें पॉसिबल हुआ कि इंडियाज़ बेस्ट डांसर के थ्रू, इंडियाज़ बेस्ट डांसर की टीम ने, पूरी टीम ने ये अप्रोच किया मेरे को और ये अपॉर्चुनिटी दिया मेरे को कि मैं अपनी मम्मी को घुमा पाऊँ। पता ये बहुत बड़ी चीज़ नहीं है, बट ये छोटी चीज़ होती है ना, जो छोटी छोटी चीज़ें होती है, यही मोमेंट्स, यही जो मोमेंट्स रहते हैं लाइफ टाइम याद रहता है हमें। तो होप आप लोगों को सबको ये अच्छा लगेगा। और यही दौरान बीच में, जैसे हमने आप लोगों ने एपिसोड में देखा होगा कि कोई आके हमसे फ़ोटो खिंचवा रहे थे, तो वो अंकल आंटी ने बहुत ब्लेसिंग दिया मेरे को और आके हमसे फ़ोटो खिंचवाया। तो मैं यही चाहता हूँ कि मैं आप लोग ऐसे सपोर्ट करते रहो, ऐसे प्यार करते रहो, और हैप्पी मदर्स डे टू ऑल ऑफ यू। पता ये वीडियो कल आने वाला है, बाकी हाँ जी आंटी राम, आप बहुत
अच्छा डांस करते हो, मुझे आप बहुत पसंद करते हो। थैंक यू सो मच। और आपने कौन सा वाला डांस देखा मेरा? रेनबो, रेनबो सर के साथ जो आपने किया था ना, रेनबो सर जी 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 पीछे थे वो वाला। ओके, ग्रैंड प्रीमियर वाला। ओके, उम्मीद करता हूँ भगवान से, यही उम्मीद करता हूँ, और भगवान आपके ऊपर हमेशा आशीर्वाद बना रहे और आप दिन दूनी रात चौगुनी आगे बढ़ते चले जाए। थैंक यू सो मच। फाइनल में पहुँचे। थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू। आपकी शैली और आपका जो अंदाज है, फेस का एक्सप्रेशन है, वो सब बहुत ही अच्छा है। सो प्लीज कीप इट अप मिस्टर राम। थैंक यू अंकल एंड थैंक यू आंटी फॉर योर कमिंग एपिसोड्स। थैंक यू, थैंक यू।